नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर, आपका मेंटर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कास्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग, बात की थी हमने स्टेप्स ऑफ कास्टिंग की और डिफाइन की थी मोल्ड एंड कोर मेकिंग को। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पैटर्न मेकिंग के पार्ट्स को और काफी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस की डिपेंडिंग अपॉन द मोल्ड यू आर गोइंग टू यूज। ठीक है, डिफाइन किया था हमने एक सेक्शन ऑफ प्रोसेसेस को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडेबल मोल्ड्स और एक दूसरी पार्ट हमने डिफाइन की थी ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट मोल्ड यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर प्रोसेस। एक तीसरी भी क्लासिफिकेशन थी ऑफ कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग कुछ प्रोसेसेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और सेल्फ, एक दो प्रोसेस और डिस्कस कर चुके हैं। आइए सीक्वेंस में अपने तीसरे प्रोसेस को, नेक्स्ट प्रोसेस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो कि है फुल मोल्डिंग की प्रोसेस। इसे प्लास्टर मोल्डिंग भी कहा जाता है। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें फुल मोल्डिंग या प्लास्टर मोल्डिंग की, तो बेसिकली इस प्रोसेस में आप यूज करते हैं पैटर्न्स को जो बने होते हैं प्लास्टिक से। मतलब यू आर गोइंग टू यूज प्लास्टिक एज द पैटर्न मटेरियल। यहाँ थोड़ी रिविजन आपको याद आ सकती है, थोड़ा आप सोच सकते हैं जब हम डिस्कस कर रहे थे पैटर्न मटेरियल्स के बारे में और हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल विच कैन बी यूज एज अ पैटर्न मटेरियल। हमने बात की थी वुड की, हमने बात की थी मेटल्स की, हमने बात की थी वैक्स की, हमने बात की थी प्लास्टिक्स की। एंड हियर इज द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक प्लास्टर मोल्डिंग। यहाँ आप यूज कर रहे हैं अपने प्लास्टिक्स को एज अ पैटर्न मटेरियल। अगर बात करें कौन कौन सी प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, तो कई वेराइटीज है प्लास्टिक की एंड डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यू आर गोइंग टू कास्ट यू विल बी चूजिंग द प्लास्टिक टाइप। सम ऑफ द कॉमन प्लास्टिक विच इज यूज फॉर दिस प्लास्टर मोल्डिंग प्रोसेस इज पॉलिस्ट्रीन, पॉलीयुरेथीन फोम, इपॉक्सी एंड रबर्स। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अगर बात करें कैसे मटेरियल्स के लिए आप यूज करना चाहेंगे फुल मोल्डिंग और प्लास्टर मोल्डिंग की प्रोसेस, तो आप वैसे मटेरियल्स के लिए यूज करना चाहेंगे फुल मोल्डिंग और प्लास्टर मोल्डिंग की प्रोसेस जिनकी मेल्टिंग प्वाइंट लो है, जिनकी मेल्टिंग प्वाइंट लो है। ठीक है, अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो कुछ कॉमन एप्लीकेशन है जैसे फिटिंग की एप्लीकेशन के कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाते हैं आप फुल एंड प्लास्टर मोल्डिंग से। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे आपका टूलिंग, कुछ टूलिंग के पार्ट्स बनाई जाती है, कुछ लॉक के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और मोटर की केसिंग कॉमनली बनाई जाती है इस प्रोसेस से। ठीक है, अगर बात करें प्रोसेस में आपके मोल्ड एंड कोर मेकिंग पार्ट की, तो ये आपका एक फिगर है जो शो कर रहा है कॉमन व्यू ऑफ अ प्लास्टर मोल्डिंग प्रोसेस मोल्ड एंड कोर। ठीक है, तो अगर बात करें मोल्ड की, तो देखिए यहाँ आप प्लास्टिक के हेल्प से अपने पैटर्न को बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। फिर आप अपने प्लास्टिक को पैटर्न को प्लेस करके यहाँ पे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसे दूसरे टर्म में पीओपी भी कहते हैं या जिप्सम भी कहते हैं, उसकी हेल्प से आप अपनी पूरी की पूरी मोल्ड को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब आप इस प्रोसेस में ये डिफरेंस पाएंगे कि जब आपको मेटल कोरिंग करनी थी, तो इससे पहले मतलब सैंड कास्टिंग के प्रोसेस की अगर बात करें, तो आप इजेक्शन ऑफ पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड कैविटी करते थे। बट यहाँ इस प्रोसेस में इन केस ऑफ प्लास्टर और फुल मोल्डिंग आप नहीं रिमूव करेंगे, आप इजेक्शन नहीं करेंगे अपने पैटर्न की फ्रॉम द मोल्ड कैविटी। ठीक है, आप यहाँ क्या करेंगे, थर्ड स्टेप की जब बात करें, तो आप मोल्टेन मेटल की पोरिंग करेंगे ऑन द इन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लास्टिक पैटर्न हेयर इन दिस कैविटी ओनली। तो होगी क्या, होगी ये मतलब पैटर्न की का क्या होगा, तो पैटर्न का होगा ये कि चूंकि एलिवेटेड टेम्परेचर पे आप मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी प्लास्टिक पैटर्न क्या हो जाएगी, इवोपरेट हो जाएगी। और इवोपरेशन के थ्रू यहाँ एक कैविटी क्रिएट होगी, ऑपरेशन के थ्रू ये कैविटी क्रिएट होगी जहां मोल्टेन मेटल आपका एक्यूमुलेट करेगा, लास्टली सॉलिडिफाई करेगा। ठीक है, तो आप ये मन में ये सवाल आ रहा है कि प्लास्टिक की पैटर्न अगर मेरी इवोपरेट कर रही है तो गैसेस, तो चूंकि आप इस साइड से पोरिंग स्टार्ट करेंगे और इस साइड से ये पूरी
मतलब इनिशियल तो एक कैविटी क्रिएट होगी, मोल्टेन मेटल एक कैविटी क्रिएट करेगी, फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे प्लास्टिक को क्या करेगी, ओपरेट करेगी, और इस कैविटी के थ्रू ये आपकी जो मोल्टेन मेटल की ये है, मोल्टेन मेटल के थ्रू जनरेट हुई आपकी इवोपरेटेड पैटर्न है वो क्या होगी, एस्केप कर जाएगी इन्हीं चैनल्स के थ्रू, और फाइनली आपकी पूरी की पूरी कैविटी में मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होगी लास्टली, और जिसे फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन करके आप ऑब्टेन कर सकते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को। उम्मीद है चीजें क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। यही सारी पॉइंट्स यहाँ लिखी है। फर्स्ट में आप प्लास्टिक की मोल्ड बनाएंगे, प्लास्टिक की पैटर्न बनाएंगे। सेकंड स्टेप में आप मोल्ड को क्रिएट करेंगे। थर्ड स्टेप में आप मोल्टेन मेटल की पोरिंग करेंगे। फोर्थ स्टेप में जब पोरिंग करेंगे तो इवोपरेटेड गैसेस क्या होगी, एस्केप आउट होगी, और इवोपरेटेड गैस एस्केप जब होगी तो आपकी क्या होगी, कैविटी जनरेट होगी। कैविटी जो जनरेट होगी वहां मोल्टेन मेटल आपका एक्यूमुलेट होगा, लास्टली सॉलिडिफाई होगा, और फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन आफ्टर रिमूविंग द गेटिंग सिस्टम एंड राइजर पार्ट और एंड सम मशीनिंग इफ रिक्वायर्ड, यू विल बी हैविंग द फाइनल प्रोडक्ट विच इज रेडी टू बी सोल्ड इन योर मार्केट। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चीज को शेयर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ताकि कुछ और भी लोग इस चीज का फायदा उठा सके। उम्मीद है अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल ईमेल एड्रेस वहां प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।